अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास, हाउ आर यू? टुडे इज़ आवर 8th ऑनलाइन लेक्चर ऑफ न्यू एक्टिव इंग्लिश। नाउ ओपन योर बुक्स एंड गो टू द पेज नंबर 6। टुडे इज़ आवर अगेन रिवीजन एक्सरसाइज। इट मींस वी हैव लर्नड अबाउट दीज टॉपिक्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज नंबर 14। चूज द राइट वर्ड्स। येस्टरडे, ये उन्होंने आगे हमें ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमने जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। येस्टरडे डैश अ हॉलीडे। येस्टरडे हमेशा पास्ट टेंस के लिए आता है, ठीक है। अब इस प्रेजेंट के लिए यूज होता है, वॉज पास्ट के लिए आएगा और प्रेजेंट में प्लूलर फॉर्म के लिए, प्लूलर नाउन्स के लिए यूज होता है और वर्ब पास्ट में प्लूलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सूटेबल वर्ड कौन सा है? येस्टरडे, इज, वॉज, आर और वर। येस्टरडे वॉज अ हॉलीडे, कल छुट्टी थी। टुडे इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंट, आज। टुडे डैश नॉट अ हॉलीडे। टुडे प्रेजेंट के लिए हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज। टुडे इज नॉट अ हॉलीडे। अब बाकी देखें, प्रेजेंट में है तो वॉज और वर तो लगेगा नहीं, वॉज और वर हमारे पास्ट में जाते हैं, इज और आर प्रेजेंट में आते हैं और जो आर है वो प्लूलर के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? टुडे इज नॉट अ हॉलीडे। यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 2। टुडे, टुडे मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली to clear your concepts. Today Hina dash an apple. Today present है। अब यहाँ पर has, have और had का इस्तेमाल उन्होंने ऑप्शन में हमें दिए। Has जो है possession को शो करता है, means जब हम एक चीज रखते हैं pencil, जैसे मैं बोलूँ I have a pencil, मेरे पास एक pencil है। I have a book, मेरे पास एक किताब है। She has a pen, उसके पास एक पेन है। पोजेशन को शो करता है मलकियत में, मतलब ये चीज मेरी है, मेरे पास ये चीज है। तो यहाँ पर अब देखते हैं टुडे हिना, टुडे प्रेजेंट, हैज और हैव प्रेजेंट टेंस में आते हैं। हैज को हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं और हैव को हम प्लूलर नाउन के साथ यूज करते हैं और हैड हमारा आता है पास्ट टेंस में। चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है इसलिए हैड तो आएगा नहीं और हमारे पास जो पर्सन है वो सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा? हैज। टुडे हिना हैज एन एप्पल। टुडे हिना हैज एन एप्पल। अब यहाँ पर बात आ गई यस्टरडे, तो यस्टरडे मतलब पास्ट में, तो पास्ट में हम क्या लगाएंगे? हैड। यस्टरडे शी हैड एन ऑरेंज। यस्टरडे शी हैड एन ऑरेंज। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 3। टुडे, टुडे मतलब प्रेजेंट की बात है, ठीक है। आपने इस चीज पे फोकस करना है कि बात प्रेजेंट की हो रही है या पास्ट की हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमने हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है। टुडे द चिल्ड्रन, बच्चे ज्यादा लोग आ गए। टुडे द चिल्ड्रन इज आएगा? नो, इज सिंगुलर नाउन के साथ आता है, वॉज पास्ट के साथ जाता है, आर प्लूलर के साथ आता है प्रेजेंट में और वर प्लूलर के साथ जाता है पास्ट में। अब मुझे बताएं आप इनमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? टुडे द चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम। आज बच्चे क्लास में हैं, आर लगेगा, ठीक है, चिल्ड्रन आर। यस्टरडे पास्ट की बात आ गई, यस्टरडे द चिल्ड्रन, ज्यादा बच्चे हैं और पास्ट की बात है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? वर। नॉट इन द क्लासरूम। यस्टरडे The children were not in the classroom. बच्चे क्लास में नहीं थे कल। Now look at the next sentence. Today I dash breakfast at 7:30. अब ये आज की बात कर रहा है, लेकिन आप ये देखें breakfast वो कर चुका है, मतलब past, सुबह उसने नाश्ता कर लिया है, वो ये काम कर चुका है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे Today I had ब्रेकफास्ट एट 7:30। आज मैंने
7:30 बजे नाश्ता किया था। नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट, आई डैश इट एट 7:30 एवरी डे। मैं हर रोज 7:30 बजे नाश्ता करता हूँ। अब जब एवरी डे रूटीन की बात आ गई तो यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। एवरी डे आई हैव, एवरी डे आई हैव। आई के साथ हम हैव क्यों लगा रहे हैं? ग्रामेटिकली रूल है, आई के साथ हैव ही आएगा, इसके साथ हैज नहीं आएगा, ठीक है। आई हैव अ ब्रेकफास्ट एट 7:30 एवरी डे। नाउ लुक एट दिस लास्ट सेंटेंस, लास्ट ईयर, पिछले साल की बात है, इट मीन्स ये पास्ट टेंस है। लास्ट ईयर वी हम ज़्यादा लोग, यहाँ पर कम ज़्यादा सिंगुलर प्लूरल का इशू नहीं है पास्ट में, यहाँ पर सिंपल हम पास्ट के साथ हैड लगा देते हैं। लास्ट ईयर वी हैड 40 डेस्क इन आवर क्लासरूम। लास्ट ईयर हमारे क्लासरूम में 40 डेस्क थे। दिस ईयर, इस साल, अब दिस ईयर प्रेजेंट की बात हो रही है, तो दिस ईयर वी हैव, वी प्लूरल है तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे? हैव। वी हैव 45 डेस्क, इस साल हमारे पास 45 डेस्क हैं। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज नंबर 15। चेंज द सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चन एंड गिव शॉर्ट आंसर। सेंटेंसेस को, उन्होंने जो सेंटेंसेस दिए हैं हमने उसके क्वेश्चंस बनाने हैं और शॉर्ट आंसर देने हैं। लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, टुडे इज हॉलीडे। क्वेश्चन बनाने का क्या रूल है? आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम शुरू में ले जाते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ हो, जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी उसके अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन बनाना होता है। क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा हम उसको उठा के सेंटेंस के शुरू में ले जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अभी पहले हम एक एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, फिर सब समझ में आएगा। टुडे इज हॉलीडे, आज छुट्टी है। अब हमने क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज, इसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे। इज टुडे अ हॉलीडे, क्या आज छुट्टी है? आपको छुट्टी है तो बोलेंगे यस इट इज, शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना है हमने, ठीक है। यस, हाँ इट इज, हाँ आज छुट्टी है। अब नेक्स्ट देखिए सेंटेंस को, यस्टरडे वॉज नॉट अ हॉलीडे। अब कह रहा कल छुट्टी नहीं थी, और हम, मैंने आपको क्या बताया है, हेल्प क्वेश्चन बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले जाते हैं। वॉज यस्टरडे अ हॉलीडे, क्या कल छुट्टी थी? वॉज यस्टरडे अ हॉलीडे। अब सेंटेंस में वो हमें कह रहा है कि कल छुट्टी नहीं थी तो इसका आंसर नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। नो, नहीं, इट वॉजेंट, नहीं कल छुट्टी नहीं थी, नहीं थी। शॉर्ट फॉर्म में यू हैव टू आंसर इन अ शॉर्ट फॉर्म। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 1, यस्टरडे वॉज अ हॉलीडे, कल छुट्टी थी। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे। वॉज यस्टरडे अ हॉलीडे, क्या कल छुट्टी थी? तो उसने हमें क्या बताया कि कल छुट्टी थी, तो आंसर पॉजिटिव सेंटेंस में जाएगा, यस इट वॉज। हेल्पिंग वर्ब आपने वही यूज करना है जो सेंटेंस में आ रहा है। अगर यहाँ वॉज है तो वॉज, इज है तो इज, वर है तो वर का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब पे आपने फोकस करना। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 2, टुडे इज नॉट अ हॉलीडे, आज छुट्टी नहीं है। अब इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? इज टुडे अ हॉलीडे, क्या आज छुट्टी है? हम पूछते हैं ना एक दूसरे को, क्या आज छुट्टी है? दूसरा बच्चा हमें बताता है कि नहीं आज छुट्टी नहीं है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? नो इट इजेंट, नहीं छुट्टी नहीं है, इट इजेंट, शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना आपने। लुक एट द सेंटेंस नंबर 3, टुडे इज हॉट, आज गर्मी है। क्वेश्चन बनाएंगे, इज इट हॉट टुडे, आज गर्मी है? यस इट इज। अब इसी तरह आपने ये बाकी सारे क्वेश्चन बनाने हैं और शॉर्ट फॉर्म में उनका आंसर देने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो फ्लुएंसी अच्छी होगी आपकी, और आपके मार्क्स आपको फ्लुएंसी के भी मिलते हैं। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज नंबर 16,
had, my, your, his, her, its, our or their. प्रोनाउंस का हमने इस्तेमाल करना है और हमने इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है यहाँ पर. नासिर प्लीज होल्ड अप डैश बुक. नासिर प्लीज होल्ड अप, तो नासिर को हम उसकी किताब पकड़ने को कह रहे हैं, तो क्या कौन सा प्रोनाउन आएगा? नासिर प्लीज होल्ड अप योर बुक. नासिर अपनी किताब पकड़ो. यस मिस नाज आई एम होल्डिंग. अब आई है यानी अब मैं बोलूंगी यस मिस नाज आई एम होल्डिंग माय बुक, यानी मैं अपनी किताब पकड़े हुए हूँ. तो आई के साथ कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा? माय बुक. यस मिस नाज आई एम होल्डिंग माय बुक. इज ही होल्डिंग अप? इज ही के साथ प्रोनाउन कौन सा आता है? हिज. इज ही होल्डिंग अप हिज बुक? क्या वो अपनी किताब पकड़े हुए? यस ही इज. शॉर्ट फॉर्म में आंसर भी आ गया और क्वेश्चन भी. Now look at the sentence number 2. Usma, please hold up dash book. Hold up your book. Usma, please अपनी किताब पकड़ो. मैं उस्मा को उसकी किताब पकड़ने के लिए कह रही हूँ, तो मैं उसको बोलूँगी Usma, please hold up your book. Yes, Miss Naz, I am holding my book. Yes, Miss Naz, मैं अपनी किताब पकड़े हुए हूँ. Is she holding up? She के साथ कौन सा प्रोनाउन आएगा? Her. Is she holding up her book? Yes, she is. अब इसी तरह आपने ये पार्ट सी और पार्ट डी को फिल करना है सूटेबल प्रोनाउन के साथ. और बार बार आपने इस पेज नंबर 6 की घर पे प्रैक्टिस करनी है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.